नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। पैन कार्ड से पता करें इनकम टैक्स नोटिस आएगा या नहीं। जी हाँ, 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं जमा करने पर आपका टैक्स कट सकता है। वहीं अभी तक पिछले साल के लिए टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों को अक्सर डर सताता है कि उनको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है। आयकर विभाग भी लगातार ऐसे लोगों की स्क्रूटनी करता है, उन्हें नोटिस भेजना रहता है। अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड है तो आप पता कर सकते हैं कि इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस देगा या नहीं देगा। आपका पैन आपकी प्रोफाइल और टैक्स प्रोफाइल को बताता है। केंद्र सरकार के पैन नंबर से चंद मिनटों में आपकी टैक्स प्रोफाइल चेक कर लेती है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद सरकार जाँच पड़ताल शुरू करती है कि आपकी इनकम कितनी है, आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे। आप आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि वित्त वर्ष में दाखिल किए गए रिटर्न प्रोसेस हुए हैं या नहीं। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो इसका मतलब है आपको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होने चाहिए। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको वेबसाइट पर खुद रजिस्टर करना होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोई इनकम टैक्स पेंडिंग तो नहीं है। नियम के अनुसार आपका आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है। अगर नहीं किया तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेजेगा, पूछा जाएगा कि आपने अभी तक फाइल क्यों नहीं किया। तो ये खबर अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियों और ख़बरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।